तो मृदंग जो है इसे वास्तव में श्री खोल कहते हैं। ये मृदंग जो है बहुत प्राचीन काल की कला है। हम देख सकते हैं पहले गोपियों के हाथ में मृदंग हुआ करते थे। जब रासलीला आप सुनते होंगे या तस्वीर देखते होंगे तो ये बहुत पुरानी कला है, लेकिन कुछ कालांतर के बस ये एकदम लुप्त हो चुका। तो जब आज से 550 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेके आए तो इसका फिर पुनरुद्धार किया मृदंग का, जब वो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने आए। तो मृदंग जो है वास्तव में कीर्तन के लिए बना हुआ है और कीर्तन जो है मृदंग के लिए बना हुआ है। तो ऐसा कोई दूसरा वाद्य यंत्र नहीं है कि जो कीर्तन में आध्यात्मिक माहौल बना सकता है। केवल एक ही ऐसा वाद्य यंत्र है जो हमारा श्री खोल, जिसे इसका एक्चुअल नाम श्री खोल है, तो ये वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करता है। तो मृदंग ही ऐसा एक वाद्य यंत्र है जो आध्यात्मिक वातावरण बना सकता है। और मृदंग की मैं आपको कुछ खास बात बताऊंगा कि मृदंग जो है बहुत सरल और एकदम तरीके से इसको आप खड़े होकर भी बजाया जा सकते हैं, इसको बैठ के भी बजाया जा सकता है और इसको नाच के भी बजाया जा सकता है। तो मृदंग के अलावा आप किसी भी वाद्य यंत्र को देखोगे तो तबला है जैसे, सिर्फ ये बंद बजता है, बैठ के ही बजा सकते हैं, इसको खड़े होकर नहीं बजाया जा सकता है। लेकिन मृदंग एक ऐसा वाद्य यंत्र है बहुत सिंपल बहुत सरल कि इसको तीनों प्रकार से चल करके खड़े होकर के बैठ करके सब कुछ बजाया जा सकता है इसके अंदर। तो मृदंग में ऐसी खासियत है। और सबसे बड़ा गुण इसका ये है, आप जितने ही परकशन देखते हो, जितने ही वाद्य यंत्र देखते हो, तबला ले लो, पखवाज ले लो, हमारे भारत के मूल जो है पखवाज और तबला है। तो जो है तबला और पखवाज, तो मैं आपको कुछ सुनाऊंगा। जैसे तबले के बोल होते हैं मेन मुख्य ताल, उसे कहते हैं त्रिताल। उसका ठेका इस प्रकार होता है, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तीन तीन ता, ता दिन दिन दा। धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, टिट किट दिन दा। तो ये जो एक्चुअल है ये तबला बज रहा है, तो मैं आपको इसको तबले में बजा के दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे मृदंग प्लेयर धा दिन दिन दा इसको श्री खोल पे बजा के दिखाएंगे। तो देखिए देखिए एक फुलझड़ी कायदा मैं आपको सुनाता हूँ, जैसे तबले में होता है, धागी नदा त्रिकट, धागी त्रिकट, धागी नदा त्रिकट, ताकि नदा त्रिकट, ताकि त्रिकट, धागी नदा त्रिकट। ये बजाए तबला, अब मैं इसको मृदंग पे बजा के दिखाता हूँ। धागी नदा त्रिकट, धागी त्रिकट, धागी नदा त्रिकट, ताकि नदा त्रिकट, ताकि त्रिकट, धागी नदा त्रिकट। तो अब मैं आपको कुछ तबले के कायदे सुनाऊंगा जो मृदंग में एकदम वैसे ही जिसे कहते हैं तबले के कायदे बजाऊंगा, और मृदंग के जो श्री खोल के ओरिजिनल जिसे कहते हैं बंदिश बोल, तो हमारे शिष्य उसको बजाएंगे मेरे पीछे।
कायदा सुना है आपको। अब मैं मुख्यतः जो तबले में रेला बजता है वो सुनाऊंगा। देखिए श्री खोल वाले अपना हाथ उठी जिसे कहते श्री खोल वाले वो बजाएंगे और मृदंग तबले का मैं ये सुनाऊंगा। सुना है मैंने आपको रेला। इसमें मुख्य मेन बात जो होता है रेला और कायदा, तो दोनों आपको मैंने सिखाया। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अब मैं आपको विशेषताएं बता रहा था तो मृदंग की श्री खोल की। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं सबसे पहले मृदंग की शरण लेता हूँ और मृदंग का प्रणाम मंत्र बोलता हूँ। मृदंग ब्रह्म रूपाय लावीन्यम रस माधुरी सहस्र गुण संयुक्ताय मृदंगाय नमो नमः। और यहाँ पर मैं अपने आचार्यों का शरणागत लेता हूँ, दिल से उनको अभिनंदन करता हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये सब आचार्यों को एकदम दिल से नमन करता हूँ। और दूसरी ओर संगीत के दिग्गजों को, जो बड़े बड़े पंडित थे, पंडित किशन महाराज, पंडित शामता प्रसाद, उस्ताद अल्लाह रखा साहब, तो इनको इनके प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जब हम किसी वास्तव में अच्छे गुरु से शिक्षा पाते हैं तो हम सिर्फ बजाते ही नहीं है, हम जो बोलते हैं वो वास्तव में किसी भी वाद्य यंत्र से बोला जा सकता है, उसको भी जुबान आ जाती है, आप यूँ कह सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर गुरु वंदना बजा के सुनाऊंगा, जो इस प्रकार है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप ध्यान से सुनिए, जो मेरे मुंह से बोलेगा वही मेरे हाथ से बोलेगा, मेरा मतलब है श्री गुरु बोलेंगे। अगर आप किसी अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हो तभी ये सफल है, ये याद रखिए। तो शब्द है गुरुर ब्रह्मा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुना आपका कान ने या मैं ऐसे ही बजा रहा हूं? शास्त्र क्या कहते, हरे नाम एव केवलम, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। श्री चैतन्य महाप्रभु से आज से 550 साल पहले जन्म लिया और क्या कहा, क्या भविष्यवाणी की,
पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोरो नाम। और आज आप देखते हो सारे जगह वर्ल्ड वाइड इस्कॉन के मंदिर खुल गए हैं, लेकिन महाप्रभु उनको आज तक बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग कहीं से गुजरते तो ये जरूर जानते, अरे ये हरे कृष्ण वाला है करके। तो उन्होंने महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करके गए। तो महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा, क्या बोल रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब आप अच्छे से सीखते हो तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे और मेरे पीछे महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जागुर जागुर जागुर।
Thank you.
निताय गौर निताय बोलो बोलो निताय गौर निताय गौर निताय बोलो 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 गौर निताय गौर निताय गौर निताय बोलो बोलो हरी बोल। कृपा करके आप उधर ही बैठिए एक मिनट के लिए प्लीज। हमारा अभिनंदन प्रकट करना चाहते हैं सदाचारी प्रभु जी और उनके टीम का, और एक नए तरीके से हम अभिनंदन प्रकट करेंगे। हम हरी बोल बोलेंगे और वो मृदंग प्ले करेंगे, और हमारा स्पीड स्लो से फास्ट करेंगे और देखते हैं जुगलबंदी कैसे होती है। तो शुरू करें प्रभु जी। हरी बोल 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 हरी बोल। धन्यवाद धन्यवाद।